आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय कारक पढ़ेंगे। देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं पहले कारक। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मोहन ने चाकू से सेब काटा। ठीक है, इसमें से क्या है? कारक विभक्ति। सुमन गेंद से खेल रही है, इसमें भी क्या है? से। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो में। ठीक है, यह पुस्तक अमित के लिए है, तो के लिए। गुरु जी के लिए भेंट लाओ, के लिए। हे प्रभु हम पर दया करो, हे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से। ठीक है, सविता के दांत में छेद है, तो इसमें क्या है? में। तो ऊपर लिखे वाक्यों में से, में, के लिए, से कुछ विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, इन्हें विभक्ति कहते हैं। जो ये चिन्ह थे उनको क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और विभक्तियों को और किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग से। और इन विभक्तियों को हम क्या बोल सकते हैं? परसर्ग भी कह सकते हैं। पर का अर्थ है पीछे और सर्ग का अर्थ है जुड़ना। पर का अर्थ क्या होता है? पीछे, और सर्ग का अर्थ है जुड़ना। ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। पर सर्ग कहाँ जुड़ते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं। और इन पर सर्गों को क्या कहा जाता है? कारक की विभक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, आगे इसकी हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के भेद पढ़ते हैं हम। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब हम पहला भेद पढ़ते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, मतलब वाक्य में जो कार्य हो रहा है और उस कार्य को कौन कर रहा है, तो उस कार्य को करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हाथी चलता है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर हाथी कर रहा है, तो हाथी यहाँ पर क्या है? कर्ता। श्याम ने पुस्तक खरीदी, तो किसने खरीदी? श्याम ने, तो श्याम यहाँ क्या है? कर्ता। मोर नाचता है, तो कौन नाचता है? मोर, तो मोर यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। साहिल घर जाता है, तो कौन घर जाता है? साहिल, इसलिए साहिल इसमें क्या है? कर्ता है। इन वाक्यों में हाथी, श्याम, मोर, साहिल से क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने, कर्ता, ने या फिर कोई नहीं। मतलब कर्ता कारक ने विभक्ति के साथ भी आ सकता है और कोई नहीं मतलब विभक्ति के बिना भी आ सकता है। ठीक है, कोई नहीं यानी विभक्ति के बिना। जैसे देखते हैं हम उदाहरण में, जैसे हाथी चलता है ये कर्ता कारक है, इसमें ने कहीं नहीं है, तो ये विभक्ति के बिना है कर्ता कारक। और श्याम ने पुस्तक खरीदी, इसमें साथ लगा हुआ है ने, तो ये कर्ता की क्या है? ने विभक्ति है। तो कर्ता कारक विभक्ति के साथ भी हो सकता है, ने विभक्ति के साथ भी और बिना विभक्ति के भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला कारक कर्म कारक। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कर्म कारक। तो कर्ता की विभक्ति क्या थी? ने। इसी तरह कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। कर्ता ने कर्म को या विभक्ति रहित, विभक्ति के बिना भी, कोई नहीं। ठीक है, जैसे कर्ता विभक्ति के बिना भी होता था, वैसे ही कर्म भी विभक्ति के बिना भी हो सकता है, या इसकी विभक्ति क्या है? को। तो जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है,
उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, तो किसने पकड़ा चूहा? बिल्ली ने। तो बिल्ली क्या इसमें कर्ता हो गया ये, तो और पकड़ना क्रिया हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक, तो कर्म इसमें क्या है? चूहा क्या है इसमें? कर्म। ठीक है। उसने ममता को बुलाया, तो बुलाना क्रिया हो गई, उसने कर्ता हो गया। और किसको बुलाया? ममता को, और को इसके साथ विभक्ति भी है। ठीक है, आगे है वह गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी इसमें क्या हो गया? कर्म। मैंने एक गीत गाया, तो गीत इसमें क्या हो गया? कर्म। ठीक है, तो इन वाक्यों में चूहा, ममता, गाड़ी, गीत आदि पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं। ठीक है, क्रिया के आगे जो भी होता है उसी पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगर क्रिया के आगे कर्ता है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, अगर क्रिया से पहले कर्म है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे गाना, इसमें मैंने गीत गाया, इसमें गाया क्रिया है, और क्रिया से ठीक पहले क्या है? कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर। ठीक है, क्रिया अपना प्रभाव अपने से ठीक पहले वाले पे छोड़ती है, इसलिए। आगे हम पढ़ते हैं करण कारक, आगे क्या पढ़ेंगे? करण कारक। कर्ता ने एक विभक्ति हो गई कर्म को, दूसरा कारक हो गया, और तीसरा क्या है? करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा ये होती है करण कारक की विभक्ति, से या के द्वारा। ठीक है, आगे है करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। करण का अर्थ क्या है? साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है, साधन मतलब जिसके द्वारा क्रिया पूरी हो रही हो, जिस चीज के द्वारा क्रिया पूरी हो रही हो वो क्या होगा? साधन या माध्यम होगा, तो उसे करण कारक कहते हैं। उस साधन या माध्यम को ही क्या कहेंगे? करण कारक। जैसे प्रिया कलम से पत्र लिखती है, तो प्रिया इसमें करता है, लिखती है, क्रिया हो गई, और पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन हम ये ऊपर क्या पढ़ा है? क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। तो लिखना क्रिया है ना, तो लिखने का काम किससे पूरा हुआ है? कलम से पूरा हुआ है लिखने का काम। ठीक है, तो कलम से यहाँ क्या है? करण कारक है। ठीक है, आगे है पूनम चाकू से फल काटती है, तो काटना क्रिया है इसमें, तो काटा किसके द्वारा? काटा उसने चाकू से, तो चाकू से यहाँ पर क्या है? करण कारक। पूनम ने पेंसिल से उत्तर लिखे, तो लिखना है क्रिया, तो किससे लिखे हैं? पेंसिल से, पेंसिल से इसमें क्या है? करण कारक। गीता ने झाड़ू से सफाई की, तो सफाई करना क्रिया है, तो किसके द्वारा क्रिया पूरी हुई है उसकी? झाड़ू से, तो झाड़ू से इसमें क्या है? करण कारक है। ठीक है, आगे है संप्रदान कारक, आगे क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को या के लिए, को या के लिए। ठीक है, संप्रदान की क्या होती है? को या के लिए। कर्ता की क्या थी? ने या कोई नहीं। कर्म की को या कोई नहीं। करण की से या के द्वारा। और संप्रदान की क्या है? को या के लिए। ठीक है, अब देखते हैं संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? प्रदान करना, किसी को देना कुछ। तो वाक्य में जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में किसी दूसरे को कोई चीज़ दी जाए या किसी दूसरे के लिए कुछ काम किया जाए तो वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे देखते हैं यह रोटी भिखारी को दो, तो देने का कार्य हो रहा है ना दूसरे को, इसलिए यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक, भिखारी को। सचिन ने भारत के लिए पारी खेली, तो भारत के लिए खेली ना, तो भारत के लिए इसमें ये क्या है? संप्रदान कारक। पिताजी बच्चों के लिए पुस्तकें लाए, तो किसके लिए? बच्चों के लिए, तो यहाँ संप्रदान कारक। पापा को प्रणाम करो या पापा के लिए प्रणाम करो, पापा को कर रहे हो प्रणाम, तो को इसमें क्या है?
संप्रदान कारक। तो इन वाक्यों में भिखारी, भारत, बच्चों, पापा आदि के लिए क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। ऊपर परिभाषा में हमने पढ़ा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, दूसरे के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा, ठीक है। याद रखें, एक नोट है, देखो को परसर्ग कर्म कारक के लिए भी है, मतलब को विभक्ति कर्म कारक में भी है और संप्रदान कारक के लिए भी है, दोनों में। अब दोनों में फर्क कैसे करोगे वो देखते हैं। अतः यदि को से कुछ प्रदान करने का अर्थ, प्रदान करने का मतलब को शब्द से कुछ देने का अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो वह संप्रदान कारक होगा, और नहीं तो वह कर्म कारक होगा। मतलब को विभक्ति लगी हुई हो और दूसरों के लिए कुछ काम किया गया हो या दूसरों को कुछ दिया गया हो तो संप्रदान कारक होगा, और नहीं तो फिर कर्म कारक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपादान कारक। आगे क्या है अपादान कारक? अपादान कारक जिस शब्द से अलगाव या अलग होना, अलगाव या अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से अलगाव का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे बंदर, पेड़, इसकी भी विभक्ति क्या है? पहले विभक्ति देखते हैं, से, और किस अर्थ में लगती है ये से? अलग होना अर्थ में, ठीक है, अलग होना। ये से किस अर्थ में लगता है? अलग होना अर्थ में लगता है से, ठीक है। अब देखते हैं हम, बंदर पेड़ से कूदा, ठीक है, कूद पड़ा, तो बंदर पेड़ से कूद पड़ा, तो बंदर पेड़ से उसका अलगाव दिखाया जा रहा है ना, उससे अलग हो गया वो, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। वृक्ष से फल गिरा, से इसमें क्या है? अपादान कारक। आनंद साइकिल से गिर पड़ा, तो से इसमें क्या है? अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। इन वाक्यों में पेड़, वृक्ष, साइकिल, हिमालय से अलगाव दिखाया गया है, अतः ये अपादान कारक है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नोट है, देखते क्या है इस पे। जैसे से परसर्ग करण कारक के लिए भी है, मतलब ये जो से विभक्ति है ये करण कारक में भी थी, से या के द्वारा, ठीक है, और ये से अपादान कारक में भी है, ठीक है। तो यदि से का अर्थ साधन के रूप में हो, अगर से दिया गया है और क्रिया करने का वो माध्यम हो, जैसे वह पेंसिल से पत्र लिखती है, तो लिखने का माध्यम क्या थी? पेंसिल थी ना, और से है, तो ऐसे साधन बताया गया हो तो वो कौन सा होगा? वो होगा करण कारक, और नहीं तो फिर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, ठीक है। सिर्फ ये देखना है हमें, अगर साधन के रूप में से है तो वो करण कारक, और बाकी नहीं तो फिर अपादान कारक में होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध, संबंध से ही पता चल रहा है एक दूसरे के बारे में, जो संबंध बताएं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति तथा वस्तु का, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध जहाँ बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है, ठीक है। और संबंध कारक की विभक्तियाँ क्या होती हैं? संबंध कारक की का, के और की, का, के और की, ये इसकी विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। देखते हैं, जैसे यह नीलम का घर है, यह नीलम का घर है, तो नीलम का घर से संबंध बताया ना, यहाँ का क्या है? संबंध। नीलम क्या है इसमें? संज्ञा, और घर क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बताया ना, तो का इसमें क्या हो गया? संबंध कारक। शोभा का लेख सुंदर है, तो का इसमें? संबंध कारक। श्याम के मित्र फुटबॉल खेल रहे हैं, तो के यहाँ पर क्या है? श्याम के, संबंध कारक। यह घोड़ा सुमंत का है, तो घोड़ा इसमें क्या है? संबंध कारक। आगे समझ में, तो इन वाक्यों में नीलम, शोभा, श्याम और घोड़ा क्या है? संबंध कारक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अधिकरण कारक।
तो जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? अधिकरण कारक की में या पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में या पर। ठीक है, अधिकरण कारक की में या पर। जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं, आधार को मतलब कि क्रिया कहाँ हो रही है उस जगह के बारे में बताते हैं, उस स्थान के बारे में बताते हैं, तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे भाई साहब कमरे में सो रहे हैं, तो कमरे में यहाँ क्या है? अधिकरण कारक। तो क्रिया क्या है इसमें? सोना। और सोने की क्रिया कहाँ हो रही है? कमरे में। तो यहाँ में अधिकरण कारक, कमरे में। लड़कियाँ मैदान में बैठी हैं, तो बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? मैदान में। इसलिए मैदान क्या है? अधिकरण कारक। सड़क पर कार खड़ी है, तो कहाँ खड़ी है कार? सड़क पर। तो सड़क इसमें अधिकरण कारक। समुद्र में नाव है, नाव कहाँ है? समुद्र में। तो समुद्र इसमें क्या है? अधिकरण कारक। तो इन वाक्यों में कमरे, मैदान, सड़क, समुद्र शब्द क्रियाओं के आधार को सूचित कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन की विभक्ति क्या होती है? हे या अरे। हे या अरे। ठीक है, हे और अरे। जिस क्रिया अथवा शब्द रूप से बुलाने, पुकारने अथवा प्रार्थना करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस क्रिया शब्द से बुलाने, किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना हो, किसी से प्रार्थना करनी हो, तो ऐसे भाव जहाँ हो, जहाँ पर हो, वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है। जैसे बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, और इसमें क्या एक चीज़ और होती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, तो यहाँ बच्चों में क्या है? संबोधन कारक। श्रीमान जी तशरीफ रखिए, तो श्रीमान जी इसमें क्या है? संबोधन कारक। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हे प्रभु इसमें क्या है? संबोधन कारक। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो अरे इसमें क्या है? संबोधन कारक। तो इन वाक्यों में बच्चों, श्रीमान, प्रभु और अरे का प्रयोग पुकारने, प्रार्थना करने के लिए हुआ है, अतः ये संबोधन कारक है।